बोकारो यूथ इंटक ने नया मोड़ बिरसा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कैंडल जलाकर मनाया सद्बुद्धि दिवस। इस दौरान यूथ इंटेक के राष्ट्रीय सचिव कुमार रवि चौबे ने कहा कि आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनका विरोध कर रहे और कैंडल जलाकर यह प्रार्थना कर रहे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसी के साथ पी3 न्यूज झारखंड के लिए बोकारो से अनिल कुमार की देखिए एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम लोग विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई सबको दे दें। और आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं यूथ इंटक के बैनर तले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इस दिन हम लोग उनका जन्मदिन का विरोध इस तरह से मानिए कि हम लोग विरोध कर रहे हैं उनके जन्मदिन पे कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आज जो देश की हालत, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, जो रोज़गार दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, निजीकरण होते जा रहा है, उसको लेके कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि उनको थोड़ा समझ आए, वो देश के बारे में सोचना, मतलब केंद्र सरकार देश के बारे में थोड़ा सा सोचे, थोड़ा रोज़गार दे युवाओं को। आज जितने भी युवा पीढ़ी हैं वो पढ़ लिख कर बेरोज़गारी के तरफ बढ़े हुए हैं और इसी के विरोध में आज हम लोग कैंडल जला के प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप लोगों को हम लोग ये बताएं कि हमारे जितने भी साथी हैं, हम लोग सब मिलके आज एक संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर, मतलब कहा जाए कि 2021 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म, मार्च ख़त्म होते होते हम लोग अपने जितने भी बेरोज़गार साथी हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू रोज़गार दिलाने का भी काम करने का प्रयास करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग सब एकत्रित होकर एक साथ मिलके हर एक बेरोजगार पढ़े लिखे साथी को रोज़गार दिलाएंगे, क्योंकि वो अपने आप खड़े हो सके। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आत्मनिर्भरता, कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन हमें तो बहुत कुछ सिखा के चलेगा और यही हम करेंगे। धन्यवाद।